बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से, सीधे उसका रुख करेंगे। कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि विदेशी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, मैसेज में कांग्रेस छोड़ने को लेकर धमकी दी गई है। बजरंग ने सोनीपत बालगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजकर कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल जिस नंबर से धमकी आई है वो विदेशी नंबर बताया जा रहा है, और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये मैसेज व्हाट्सएप के जरिए एक थ्रेट मैसेज भेजा गया है। तो कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। विदेशी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। ये बजरंग ने थाना बालगढ़ में शिकायत दी थी भाई, उसको किसी बाहर के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, उसकी शिकायत ले ली है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सर क्या शिकायत दी गई है बजरंग द्वारा, बता सकते हैं? किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अभी ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी है। तो कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है और पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। दरअसल जिस नंबर से ये थ्रेट मैसेज भेजा गया है वो विदेश का नंबर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अभी बीते दिनों हमने देखा कि बजरंग पुनिया और रेसलर विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि बजरंग पुनिया ने चुनाव लड़ने से इनकार जरूर कर दिया, लेकिन अब यह धमकी किसने दी है सवाल बरकरार है। पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है।